नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर डॉट कॉम पर और मैं हूँ पलक गुप्ता। न्यूज हेडलाइंस में सबसे पहले देखते हैं देश की खास खबरें। 2028 ओलंपिक में क्रिकेट की एंट्री, 141वीं आईओसी बैठक में हुआ ऐलान, 5 नए खेलों को मंजूरी मिली। इसराइल ने गाजा में युद्ध विराम की खबरों का खंडन किया, युद्ध में मरने वालों की संख्या 4000 के करीब। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर को किया बरी। सेना का राजनीतिकरण करने की कोशिश खतरनाक कदम, कांग्रेस ने की केंद्र की आलोचना। कांग्रेस ने मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए 39 उम्मीदवारों की सूची जारी की। राजनीतिक दलों की चुनावी फंडिंग का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी याचिका संविधान पीठ को भेजी। नड्डा बोले, छत्तीसगढ़ राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश को भी भ्रष्टाचार का एटीएम बनाना चाहती है कांग्रेस। आइए अब नजर डालते हैं राज्य की प्रमुख खबरों पर। गहलोत बोले, वसुंधरा पर गुस्सा है, जनता से धोखा क्यों, केंद्र में बैठे लोगों की राज्य से नहीं बनती। बूंदी में सी विजिल पर प्राप्त अवैध शराब वितरण की शिकायत पर रिकॉर्ड 11 मिनट में कार्रवाई। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 मतदान दलों का प्रथम प्रशिक्षण 17 अक्टूबर से। जंगल में बन रही थी अवैध शराब, श्री डूंगरगढ़ पुलिस ने नष्ट की भट्टियां। आइए अब देखते हैं बॉलीवुड जगत की खास खबरें। टाइगर 3 का एक्शन पैक्ड ट्रेलर रिलीज, दीपावली पर फूटेगा बॉक्स ऑफिस पर टाइगर 3 का बम। करीना सैफ की शादी के 11 साल पूरे, एनिवर्सरी के मौके पर पति संग शेयर की पिज्जा खाते फोटो। कुछ कुछ होता है कि 25 साल पूरे, काजोल फिर बने अंजलि, फैंस ने की तारीफ। आइए अब नजर डालते हैं खेल जगत की खास खबरों पर। अफगानिस्तान से मिली शर्मनाक हार का ठीकरा, जॉस बटलर ने पिच पर फोड़ा। स्पेन, स्कॉटलैंड और तुर्की ने यूरो 2024 के लिए किया क्वालिफाई। आइए अब देखते हैं कारोबार जगत की प्रमुख खबरें। खाद्य पदार्थों की कीमतें घटने से सितंबर में थोक मुद्रास्फीति में गिरावट। जोमैटो के बाद अब स्विगी ने खाने के ऑर्डर के लिए शुल्क बढ़ाकर 3 रुपए किया। मध्य पूर्व में तनाव के चलते तेल की कीमतों में उछाल। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खास खबरों पर। कनाडा में पत्नी की चाकू मारकर हत्या करने के आरोप में सिख गिरफ्तार। हमास के साथ संघर्ष के बीच इसराइल ने की स्कूलों में क्लासेस फिर से शुरू करने की घोषणा। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.khaskhabar.com पर लॉगिन करें। नमस्कार।